ये नेकी नहीं है कि मिलाद कराई जो और रिश्तेदारियों में तुम्हारे से ज़्यादा बदतरीन कोई है ही नहीं, दिस इज़ नॉट नेकी। ये नेकी नहीं है कि हज कर लिए, उम्रे कर लिए और बिजनेस दो नंबर है। आज हमसे वो डर ख़त्म हो गया, लोग भूल चुके हैं उन्होंने अल्लाह को जवाब देना है, लोग भूल चुके हैं कि उन्होंने अल्लाह के सामने खड़ा होना है। वो हदीस हमें याद नहीं है, बहसियत कौम, जो कि एक शर्म की बात है, हमारे बारे में मशहूर है, झूठे मिस कमिटमेंट करने वाले, दो नंबरी करने वाले और ज़ाहिर है चकमा देने वाले, चाहे वो कोई भी। तो नेकी क्या है, ये हमारा आज का टॉपिक है। आयतल बिर आपके सामने है, इट इज़ द पीक डेफिनेशन ऑफ पाइटी और नेकी। ये सूरह अल बकरा की वर्स 177 है, इसको कहते ही आयतल बिर है, नेकी के बारे में आयत। बिर कहते हैं नेकी को। अल्लाह फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबल अल मशरिकी वल मग़रिब। नेकी ये नहीं है कि तुम मग़रिब या मशरिक की तरफ मुँह कर लो। ये बेसिकली जूस को भी है एक पैगाम, इसका पस मंज़र ये है ना कि वो लड़ाई हो रही थी कि किबला चेंज हो रहा है वगैरह वगैरह, जो भी बात हो रही थी, तो अल्लाह ने बात को क्लियर किया कि नेकी ये नहीं है कि सिम्बॉलिक जेस्चर्स पकड़ लो, ये सिर्फ एक डायरेक्शन है किबला, ताकि तुम लोगों की यूनिटी हो जाए, एक तरफ मुँह करके नमाज पढ़ो। और ज़ाहिर है कि ये एक सिम्बॉलिक जेस्चर है कि हम दीन इब्राहिमी के, हरम जो है वो ज़ाहिर है दीन इब्राहिमी, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा तामीर किया और अल्लाह का घर है। तो ये नेकी नहीं है कि मिलाद कराई जो और रिश्तेदारियों में तुम्हारे से ज़्यादा बदतरीन कोई है ही नहीं, दिस इज़ नॉट नेकी। ये नेकी नहीं है कि हज कर लिए, उम्रे कर लिए और बिज़नेस दो नंबर है। नेकी असल में क्या है, उसको डिफ़ाइन अल्लाह ताला कर रहा है, और वो क्या है, वला किन्नल बिर्रा, लेकिन नेकी ये है, मन आमना बिल्ला, कि तुम अल्लाह पर ईमान लेकर आओ। अब ये हमने डिग डीप करना है, ईमान क्या है, क्योंकि सहाबा अक्सर रसूलल्लाह से उससे सवाल किया करते थे ना, वैलिड क्वेश्चंस, वैल्यूएबल क्वेश्चन, या रसूलल्लाह ईमान क्या है, या रसूलल्लाह इस्लाम क्या है, एहसान क्या है, वगैरह वगैरह, इस तरह के सवाल उनका इंटरेस्ट था, क्योंकि इन चीज़ों में उनका इंटरेस्ट था। वल यौमिल आखिर, और तुम रोज़े आखिरत पर ईमान लेकर आओ, अकाउंटेबिलिटी का डर रखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी का डर रखो। आज हमसे वो डर ख़त्म हो गया, लोग भूल चुके हैं उन्होंने अल्लाह को जवाब देना है, लोग भूल चुके हैं कि उन्होंने अल्लाह के सामने खड़ा होना है। वो हदीस हमें याद नहीं है, मुफलिस कौन है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा सहाबा से मुफलिस कौन है, तो उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह जिसके पास कुछ पैसे नहीं है, गरीब। उन्होंने कहा नहीं, मैं बताता हूँ, कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ हदीस का। मुफलिस वो है जो क़यामत वाले दिन बहुत अमाल के साथ आएगा, लेकिन एक बंदा आएगा कहेगा अल्लाह इसने मेरा दिल दुखाया था, मुझे गाली दी थी, मेरे बारे में कमेंट किया था, अल्लाह उसके अमल उसको दे देगा। लोग आते जाएंगे क्योंकि उसने दिल बहुत दुखाए होंगे लोगों के, यहाँ तक कि उसके बाद ज़ीरो, उसके बाद और लोग आएंगे तो नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा, अल्लाह उनके गुनाह और डालेगा, और एंड में उसके पास सिर्फ नेगेटिव बैलेंस है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये मुफलिस है। आज आप सोशल मीडिया पर देख लें, हमारी ज़बानें देख लें, हमारे एक दूसरे से नफ़रतें देख लें, कमेंट्स देख लें, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, चाहे वो रिलीजियस लोग हों, मैं हैरान हूँ, रिलीजियस लोग आपस में गाली गलोच कर रहे हैं, हु वर सपोज टू बी द बेस्ट, जिनका कैरेक्टर बेस्ट होना चाहिए था, वो वहाँ जाके सारे गुस्से निकाल रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो मुफलिस ज़ाहिर है कि जिसने लोगों का दिल दुखाया, आज हम भूल चुके हैं कि अल्लाह को हमने जवाब देना है। और कहा मन आमना बिल्लाही वल यौमिल आखिरी वल मलाइकती वल किताबी वन नबीयीन, ईमान लाए अल्लाह पर, रसूल पर, यौम आखिर पर, एंजल्स पर, तमाम नबियों पर और किताब पर। तमाम नबियों पे ईमान लाने का जो एक कॉन्सेप्ट है वो भी हम डिस्कस करेंगे। हैं वसाइलीना सवाल करने वाले, व फिर रिकाबी और जो लोग गरीब गुरबा हैं, व अकामत सलात और नमाज कायम करते हैं, नेकी नमाज है। अगर आप नेक बनना चाहते हैं नमाज पढ़ें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा विच ऑफ़ द डीड्स आर बेस्ट, बेहतरीन अमल क्या है या रसूलल्लाह, प्रॉफिट ने कहा नमाज टाइम पे पढ़ना, वक्त पे नमाज पढ़ना। बाकी भी नेक अमाल हैं, छड़ी रास्ते से हटा देना, हकूकुल इबाद भी नेक अमाल है, लेकिन अफजल अमल पूछा सहाबी ने, बेहतरीन अमल रसूलल्लाह ने कहा टाइम पर नमाज पढ़ना। पूछा फिर तो सेकेंड पे जो अमल रखा हुआ था माँ बाप से उसने सलूक कर, ये दो टॉप के अमल बता दिए, उसके बाद बाकी के अमल हैं ह्यूमैनिटी, नेबर के साथ अच्छा रहना, एक दूसरे के साथ अच्छा रहना वगैरह वगैरह। तो खर्च करना, नमाज कायम करना, वात ज़कात ज़कात देना, वल मुफूना बी अहदिम इज़ा आहदू, कितनी इंपॉर्टेंट बात है, अपने वादे निभाना, कमिटमेंट पूरी करना, और इसमें हम लोग वीकेस्ट हैं। पाकिस्तानी जो है वो शायद सबसे इस वक्त बॉटम पे है, बहसियत कौम, जो कि एक शर्म की बात है, हमारे बारे में मशहूर है, झूठे
मिसकमिटमेंट करने वाले, दो नंबरी करने वाले और ज़ाहिर है चकमा देने वाले, चाहे वो कोई भी हो, बिजनेस हो या कुछ भी हो। तो यहाँ तो अल्लाह कह रहा है ईमान वाले वो हैं जो अपने वादे पूरे करते हैं, जो कमिटमेंट के पक्के हैं, जो जो बात करते हैं वो निभाते हैं, जो अहद करते हैं उसको पूरा करके रहते हैं। वह साबिरीना, सब्र करने वाले। सब्र एक बेहतरीन स्किल है लाइफ में लर्न करने के लिए, और रिसर्चेज हैव बीन कंडक्टेड के जो लोग सब्र करने वाले होते हैं, इन शॉर्ट सेल्फ कंट्रोल वाले होते हैं, वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है ना, ये तो आपके सामने भी होगा, आपने देखा है पेरेंट्स की पेरेंटिंग, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को चैलेंजेस देते हैं, सेल्फ कंट्रोल लर्न कराते हैं, अपने बच्चों को जो है वो ज़ाहिर है इस हवाले से ग्रूम करते हैं कि उनमें सेल्फ कंट्रोल है, उनके बच्चे कल को बहुत सक्सेसफुल होते हैं। ऑन दी अदर हैंड दूसरे जो बच्चे होते हैं वो नाकाम होते हैं। तो सब्र की बड़ी अहमियत है। फिल बासाई वज़र्राई वहीन अलबास, वो सब्र करते हैं चाहे बुरा टाइम हो चाहे अच्छा टाइम हो, और जब भी ड्यूरिंग द बैटल, वहीन अलबास इन द बैटल फील्ड, एंड वी आर ऑल इन अ बैटल फील्ड, हम जंग लड़ रहे हैं शैतान से भी, अपने नफ्स से भी, अपने हालात से भी, टेस्ट एंड ट्रायल से भी, हर चीज़ से, वी आर इन अ बैटल फील्ड डेली। तो सब्र करते हैं बैटल फील्ड के दौरान, और ज़ाहिर है जिहाद, बेसिकली जिहाद मुराद है। उलाइक अल्लज़ीना सदकु, ये सच्चे लोग, ये लोग हैं जो ईमान वाले तुम कह सकते हो, जो सच बोलते हैं। उलाइक हुमुल मुत्तकून, और यही लोग तकवा वाले हैं। अब हम ज़रा ईमान को डिस्कस करते हैं। ईमान क्या होता है, ईमान वाले कौन होते हैं, लिंग्विस्टिक मीनिंग ईमान का क्या है। ईमान इज़ अ वर्ड यूज इन द अरबिक लैंग्वेज कमिंग फ्रॉम द रूट वर्ड अमाना। अगली स्लाइड होगी। अमन इज़ टू बी सिक्योर फ्रॉम फियर, टू हैव अ कंटेंट हार्ट एंड टू हैव अटेंड प्रॉस्पेरिटी एंड गुड हेल्थ। अमन, ईमान इज़ ड्राइव फ्रॉम द रूट वर्ड अमन। अमन का मतलब है प्रॉस्पेरिटी, पीस। इसका क्या मतलब है कि जब हम ईमान ले आते हैं हम अमन में आ जाते हैं। किस चीज़ का अमन, कि अल्लाह हमारा रखवाला है, अल्लाह हमारा प्रोटेक्टर है। जिस बंदे को ये अमन आ गया तो फिर उसे और क्या चाहिए। जिस बंदे को ये श्योर है कि अल्लाह मेरे साथ है, उसके बाद उसे और क्या गारंटी चाहिए। उसके लिए फिर क्या फियर बाकी रह जाता है, क्या रिग्रेट बाकी रह जाता है, जब अल्लाह उसके साथ है, जब वो ईमान ले आया, मोमिन बन चुका है। देयरफॉर द वर्ड ईमान इन इट्स लिटरल मीनिंग डिनोट्स पीस, डिवोशन एंड ट्रस्टवर्दीनेस। द ऑपोजिट ऑफ ईमान इज कुफर। टेक्निकल मीनिंग इसका क्या है। अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लेजिस्लेशन ईमान इज टू ऑथेंटिकेट द कमांड्स ऑफ अल्लाह विच हैव बीन रिवील्ड अपॉन द मैसेंजर ऑफ अल्लाह थ्रू तीन चीज़ें। अटरेंस ऑफ द टंग, जबान से अदायगी ईमान है। बंदा कहे मैं मोमिन हूँ, मैं ईमान लाया अल्लाह रसूल पे, आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही। अप्रूवल ऑफ द हार्ट, दिल से भी ईमान लाया, सिर ये नहीं कि डर से ले आया। एंड एक्शन ऑफ द लिंग्स, और उसके बाद एक्शन भी कर लें। ये तीन चीज़ें ईमान को कामिल करती हैं। सिर्फ अटरेंस कर देना ये ईमान नहीं है,